तुम्हारे हॉस्टल से इनको बुलवा लिया है, रख भी लिया है। अगर खाना ठीक नहीं पका ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी। रोड़ी हो या कराची, हमारे खाने की तो धूम है। वक्तू साहब को समझ नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि आपने बंदा अपनी कौमियत की वजह से रखा है। अरे ये हमारा दिन और रात खराब कर रहे हैं। अगर हम बाहर आ गए ना तो इनको नानी याद आ जाएगी। नहीं नहीं, आप बाहर नहीं आ सकते, आपको हमने कसम दे रखी है। ये कार्टून कौन है? फ्री क्यों हो रहा था तुमसे? हमारा ख्याल रखना। कोई दिल विल पे नहीं लगी है तुम्हारी बात, दिमाग पे लगी है मेरी। ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो। हाँ तो दिमाग की एक रग दिल में भी उतर रही है। ओ तो जी, बस आप लोगों की कहानियां लिखती रहती हैं। वो तो पता नहीं कौन कौन सी। एक सेकंड जरा मैं ले लूं उधर से। जासूसी करती है? हमारी रिपोर्टें भेजती होगी। रिपोर्टें भेजती है? क्यों? ऐसा क्या हो रहा है यहाँ? ऐसा कुछ भी तो नहीं हो रहा। हम लोग तो शरीफ घरों से शरीफ लोग हैं। तुम थानी, मैं कायनात, ये माही, वो बावर्ची, हमारी कोई क्यों जासूसी करेगा? हम लोग क्या घर से भाग कर आए? हाँ वैसे जासूसी ना उन दो लफंगों की करनी चाहिए। जब देखो मेज पे आके रोटियां तोड़ते हैं, कभी कोई हेल्प शेल्प नहीं कराई उन्होंने। हैं कहाँ वो दोनों? मुझे एक की तो टांग पे मोच आई हुई है ना, तो वो या तो रो रहे हैं या फिर सो रहे हैं, और दूसरे वाले बीबी साहब से इजाजत लेके कार गए हैं। हम तो फ्री का सामान लाने। उसने नहीं आना, बता रही हूँ, इफ्तारी फोड़ ली उसने। बताओ जरा, मिलकर भी नहीं गया? कनाद बीबी, आपको बड़ा दुख हो रहा है रोयल जी के जाने का है? क्यों सक्कर क्वीन, क्रश व्रश तो नहीं हो गया बाइकर बॉय पे? इतना प्यार वैसे है तो नहीं वो? चलो अपना अपना टेस्ट होता है, हैं? तुम्हारा और माई का सेम टेस्ट है। चलो ठीक लगोगे दोनों साथ। लेकिन क्या बातें कर रही हो दोनों? पागल हो गया क्या? काम करो। चुप तो भाई। खाने भी ऐसे तराना निकालो ना मेरा। क्या पकाए खाने में? वो चिकनात बीबी ने जलफ्रेजी बनाई है, उनको पसंद है। फिर आप क्या बना रही हो? मोरल सपोर्ट दे रही हूँ माही मैं, मोरल सपोर्ट। चलो फिर मोरल सपोर्ट भी खा लेंगे आज। मोरल सपोर्ट। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना खानम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो, हल्की सी मोच है, ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक नहीं हो गए तैमूर भाई? ये जैतून का तेल है, बरसों का आजमाया हुआ, अफतारी तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ बस इंशाल्लाह दर्द में कमी आ जाएगी फौरन। शुक्रिया, घर माँ सबकी याद आ गई। हाँ। बहुत शुक्र। अच्छा हम ना नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वक्तू देख लेना कि कोई कमी पेशी ना हो, और आते जाते रहना, चेक करते रहना। हाँ ठीक है बीबी साहब। ठीक है। सैमूर भाई ये हो गया मालिश, अभी आप आराम करो, मैं जरा बाकी काम देख लूं घर का, ठीक है? जी वक्तु भाई, शुक्रिया वक्तु भाई। ठीक हो जाएगा। खानम के दिल में घर करने के लिए ऐसी हजारों चोटें बर्दाश्त, बस एक बार गोद ले ले, बेटा बना ले। चांद नगर का चंदा, खानों का दुलारा। बस यही सेटल होना है अब। कहना तो तुम्हें भी सारे गुण हैं जो एक बीवी में होने चाहिए। तुम मुस्तकिल समझ आ रही हो भाई अब। मुस्तकिल समझ आ रही हो। Mm-hmm.
क्या पागल वागल हो गया क्या? सोच कायनात को रहा और दिमाग में वो मॉन्टर आ रही है भाई, पागल है क्या? करना क्या है वो तो तुम लोग बताओगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने सो रही नहीं है, मैंने सो रही नहीं, मैंने आंखें नहीं बंद करनी। बस बस शुक्रिया। अच्छा आपके पैसे, थैंक यू। ये किसकी इजाजत से इतना सामान लेकर आ गए हो तुम रोहिल भाई? बख्तू ये बस एक्सरसाइज वगैरह के लिए लेकर आया और खानम से पूछ लिया था मैंने। एबी साहब ने इजाजत दी है? हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने बोला है तो ठीक। हाँ हाँ बोला है उन्होंने। अच्छा बख्तू ये जगह समर साहब ने बनाई थी, बीबी साहब के बेटे ना समर साहब, उन्होंने। अच्छा, वो यहाँ पे स्नूकर खेला करते थे, वो उनके दोस्त भी आते थे। अगर बड़े साहब थोड़ा गुस्से के थे इससे ना, तो उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनके दोस्तों ने भी आना छोड़ दिया। और फिर एक दिन क्या हुआ कि फिर समर साहब भी फिर यहां से चले गए। रोयल भाई इतना सामान लाए, अगर वो स्नूकर का डंडी और बॉल भी ले आते तो हम इस जगह को ना दोबारा से आबाद कर देते। वो आप तो लेकर आ गए डंडी सचमुच में, ये तो कमाल कर दिया आपने रोयल भाई, कमाल कर दिया आपने। वाह 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 क्या बात है। आपको एक बात बताऊं, मैं ना अपने मोहल्ले में अनडिफीटेड चैंपियन था इस गेम का। हाँ? फिर हो जाए एक। अगर हारने के लिए खेलना है रोयल भाई तो फिर हो जाए। अच्छा हाँ? आजो देखते हैं कौन हारता है। आजा। अरे ये कमबख्त बख्तू भी इनके साथ मिल गया। खानम ये क्या मजाक है? आहिस्ता आहिस्ता, बच्चे हैं, हम इन्हें बच्चों को इजाजत दी कि वो खेल कूद का सामान ले आए ताकि उनका दिल लगा रहे। खेल कूद का सामान? यहां स्नूकर क्लब बनेगा, जिम बनेगा, डब्बू की महफिलें सजेंगी, हाथ पे हाथ रखकर कह के मारे जाएंगे, ये घर है या चौराहा? समर से भी आप यही कहा करते थे ना। रही बात घर की, तो घर तो ये कभी बना ही नहीं। आपके इसी मिजाज ने ना इसे घर बनने ही नहीं दिया। बात बात पे डांटना, बात बात पे टोकना, सारी जिंदगी हम फूक फूक के कदम उठाते रहे और एक लम्हे में आप हर चीज पे पानी फेर देते हैं। खुशी नहीं होते हमसे, हम कितनी कोशिश करते हैं, कभी दो बोल प्यार के ही नहीं बोले हमसे आपने। बात बात पे रूठ जाते हैं, रूठे ही रहते हैं। हम ही मनाने आते हैं आपको, आपने तो हमें कभी नहीं मनाया। रूठे रहे, इस बार हम नहीं आएंगे आपको मनाने, बहुत हो गया।
तैमूर हम आए? जी 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 खानम आप आ जाओ आ जाओ आराम से आराम से। आपने ऐसी तकलीफ की, भी तो इफ्तार का भी वक्त होने वाला नहीं। अरे तुम क्या सोच रहे थे हम तुम्हें इफ्तारी अकेले करने देंगे, ये कैसे हो सकता है। हाँ यहाँ रख दो ये। बीबी साहब मैं ना जरा और लोगों का देखी हूँ, ठीक है। अब क्या हाल है, ठीक हो? जी जी चोट तो ठीक है, वो बख्तू भाई ने तेल लगाया था ना तो उससे तो बड़ा आराम आ गया आपको। दरअसल सुबह हम बड़े परेशान थे ना, तो बेध्यानी में तुम्हें तवज्जो नहीं दे सके। बाद में सोचा तो बड़ा बुरा लगा, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारे बेटे समर को छोटी सी खराश भी लगती थी ना तो पूरा दिन हम उसका साथ नहीं छोड़ते थे। तुम भी तो किसी के बेटे हो जिसकी माँ अब दुनिया में नहीं है, और हमारा बेटा अल्लाह का शुक्र है अभी भी इस दुनिया में है लेकिन हमारे साथ नहीं है। दरअसल इस घर में ना कोई रिश्ते ही नहीं रहे अब निभाने के लिए, तो हमारी आदतें खराब हो गई। खैर आज से हम वादा करते हैं कि हम सिर्फ मुंह से ही नहीं दिल से ही सोचेंगे कि ये आपका घर है, आप सबका घर है, और वो सब करेंगे आप सबके लिए जो हम अपने बेटे के लिए करते हैं। और अब तक अगर अब तक हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर देना। क्या अभी खोलो ये। तुम पियो मैं पियो। पालक पनीर कैसा है? भाई बहुत मजे का, वाकई तसव्वुर बहुत मजे का खाना बनाता है। मेरा नहीं ख्याल तुम में से कोई भी लड़की ऐसा खाना बना सकती है। क्या मतलब, सिर्फ लड़कियों को खाना बनाना चाहिए? ये मैंने कब कहा? आप बताएं मैंने ऐसा कुछ कहा है? मुझे खाना बनाना नहीं आता, इस मासूम को सीधे मुंह बोलना नहीं आता, खाना क्या खाक बनाएगी। एक बात पूछूं शिशा, तुम बचपन से ही ऐसी हो? कैसी ऐसी? मतलब ऐसे ठहर ठहर के रुक रुक के बात करती हो, मुस्कुराती भी नहीं हो। यानी इनका मतलब है कि आप कुछ डिफरेंट हैं, आपका स्टाइल कुछ डिफरेंट है। मतलब इंसानों से डिफरेंट है। अरे वो फिल्म नहीं आई थी? कौन सी? वो ऐसे ही बात करता ठहर ठहर के, वो रजनीकांत की। रोबोट। उसमें देखा है कैसे चलता है, टक 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 आवाज आती है पैरों की। अब वो एक से सौ हो जाते, सौ से हजार हो जाते, सब ऐसे देखते रहते। बहुत मजे की फिल्म थी।
तसव्वुर। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना मजे का नहीं पकाया अब, मगर खसर सी रह गई। अभी तो आप शुक्र कर रहे थे खुदा का, अब कसर रह गई। खुदा का तो शुक्र यूं अदा कर रहा था कि उसने चावल दिया है, चिकन दिया है, मसाले दिए हैं, मगर अगर तुम इनका सत्यानाश करोगे तो शिकवा तो तुमसे करूंगा ना, खुदा से थोड़ी करूंगा। मैंने सत्यानाश किया? मैं तो मिसाल दे रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि सत्यानाश किया, मैं कह रहा हूं खसर रह गई। तू बात बात पे ऐसे क्यों खड़ जाता है? पहले तू को मजिस्ट्रेट लगा रहा था। तो मजिस्ट्रेट के घर में भी खाना भेजा है जब उनके फंक्शन होते थे, तारीफ ही आई है हमेशा। ये बख्तू साहब को बस कसर नजर आ रही है। हाँ तो कसर तो कभी कभी रह जाती है, ऐसा क्या है? हाँ तो फिर बुलवा लो किसी को जिसके काम में कसर ना हो, बल्कि ये बख्तू को ही लगा दो, दो तीन दिन मेहनत करेगा तो बना लेगा ऐसा खाना जिसमें कसर नहीं है। मुझे बस आज के पैसे दे दो, फारिग कर दो मुझे आज। ये सुखिया फिर तुमसे क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था तुमको तसव्वुर। काम के बारे में मजाक नहीं है, ये बात दिल पे लगती है। तसव्वुर तसव्वुर मजाज तो देखो इसके, जरा बहुत बात पे अच्छे से उखड़ जाता है, और अभी तो तक हाथे से ज्यादा खाना कनाद बीबी ने बनाया है, उस पे भी ये हाल है। ये तो मजबूरी का सौदा है माही, वो तो बीबी साहब ने प्रेशर दिया था, इस वजह से जिस दिन कोई अच्छा खानसा में मिल जाएगा ना तो मैं इस तसव्वुर की छुट्टी करवा दूंगा। हाँ अच्छा सा खानसामा ढूंढ कोई, एक आंख नहीं बाहर आई मुझे। अच्छा तो तुमको ऐसा खानसामा चाहिए जो तुम्हारी आंखों को बाए, शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? जो मेरी आंखों को बाए इस जान में तो नहीं मिलना मुझे ख्वाजा, पता नहीं कहां होगा। जिन भूत की बात कर रही हो? नहीं तेरी बात नहीं कर रही मैं, चाह पी चुप करके। जिन भूत चाय में भी खसर रह गई है। मैं जुत्ती ला लेनी हूं ना, जो कर रहा था जो। शुक्र है तैमूर की हालत थोड़ी बेहतर हो गई है। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत मजे का खाना बनाया है। ट्राई करूं कि ये तसव्वुर ने बनाया क्या है, लग तो बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है उसकी बीवी ने, खुद तो कार पे बैठी होगी मजे से हैं, आराम से, और शोर को लगाया वे काम पे भी और खाना पकाने पे भी। वाह भाई वाह, मजे हैं। काश हम भी सवर की बीवी होते। कबाब पता नहीं किस दुकान से मिलते हैं ऐसे शोर, खुर्राट लड़कियों को ही मिलते हैं। ये तसव्वुर की बीवी भी ना मोटी ताजी हिटलर टाइप्स होगी। अच्छा शौहर मिलने के लिए खुराट होना जरूरी नहीं है, तमीजदार लड़के भी तमीजदार लड़कियों की तलाश में होते हैं। ये तुम खुद को तमीजदार कह रहे हो या मुझे बदतमीज कह रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जो कुछ कह रही हो तुम ही कह रही हो। मेरे सामने ज्यादा मीस नहीं ना बनो चावल। यार मैंने कुछ भी नहीं कहा है। क्या मसला है तुम दोनों का, हर वक्त ये सब अच्छा नहीं लगता? मत्थे में सूर विच चले हो। नहीं नहीं हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े अरसे बाद इतनी आवाजें सुनने को मिली हैं। बचपन में हम पांच बहनें एक ही घर में पली हैं, वहां पे इतनी सारी आवाजें सुनने को मिलती थी, यहाँ तो हमारा एक इकलौता बेटा ही पला है, सन्नाटा ही सन्नाटा। अकेलापन भी कितना जिद्दी होता है, सारे मालिकाना हकूक अपने पास ही रखता है, किसी और एहसास को पास से भटकने भी नहीं देता। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। हा? अगर आप सबको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, मगर मैं अब यहां कंटिन्यू नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी शिजा।
शिजा बेटा सुनो, अरे हमने कुछ गलत कह दिया, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? मैंने तो इत्तेफाक से आज ही से बात की है पहली दफा। पर उसमें मैंने तो सिर्फ जोक किया था। क्या तुम ऐसे कभी रोई हो पहले शिजा? क्या करती हो, ना हंसती हो ना रोती हो, जीती कैसे हो तुम? तुम्हारे कोई भाई बहन है कि इकलौती हो? इकलौती हो, अच्छा तभी तो इतने सारे लोगों में घबरा गई हो, है ना? बचपन में अकेले खेलते खेलते मुझे पता नहीं चला कब मुझे अकेलेपन की आदत हो गई। खामोशी में सुकून मिलता है मुझे। जब मुमकिन हुआ तब भी मैंने किसी को अपने नज़दीक नहीं आने दिया, ना स्कूल में कोई दोस्त, ना कॉलेज, ना ही यूनिवर्सिटी में। बस दूर से बैठ के सबको देखती रहती थी। आपको पता है खानम, जब आप किसी को फासले से, खामोशी से, उसके जाने बगैर किसी को देखते हैं तो आप वो सब कुछ जान जाते हैं जो लोग अपने मुँह से नहीं बोलते। कुछ बहुत अहम बातें ऐसी भी होती हैं जो बहुत करीब जाए बगैर नहीं पता चलती। अम्मी ठीक कहती हैं, मैं बहाने ढूंढ रही हूं, भाग रही हूं। सच्ची बात यह है कि मैं डरती हूं क्योंकि मुझे किसी और के साथ नहीं रहना आता। अभी एक दिन हुआ है और मैं यहां सबकी नापसंदीदा इंसान बन गई हूं। नहीं, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि खानम आप भी अकेली हैं इतने सालों से, आप इस आदत को समझती हैं। गौर करो, इस वक्त यहां पे कोई भी अकेला नहीं है, और अगर आदत तकलीफ देना शुरू कर देना तो उसे बदल देना चाहिए। अभी तुम्हारी बहुत जिंदगी बची हुई है, ये आदत बदल दोगी ना तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और जिंदगी जीने के लिए होती है, रिश्तों के साथ घुल मिल के, मोहब्बत से भरपूर। ये नहीं कि दूर से जिंदगी को देखो, नहीं नहीं नहीं, जिंदगी को महसूस करना चाहिए। नो, ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, ना इतनी बर्दाश्त है कि किसी इंसान के इतने करीब जाऊं और उसकी सारी कहानी जान सकूं। मेरी शादी भी कभी कामयाब नहीं होगी, मुझे अकेले ही ठीक से रहना आता है। ठीक तो सभी रह लेते हैं, लेकिन खुश रहने में मजा ही कुछ और होता है। कोशिश तो करो, अगर कोशिश कामयाब नहीं होगी तो फिर तन्हाई में वापस चली जाना। वैसे भी वो तुम्हारी पुरानी सहेली है, कोई नुकसान तो नहीं है ना, कोई हर्ज तो नहीं है कोशिश करने में। देखो, तुम एक हसास और जहीन लड़की हो, तुम्हारा हर जज्बे पे उतना ही हक है जितना बाकी सबका है। अब हमें देख लो, साहब को गए हुए कितना अरसा हो गया है, हमारा बेटा भी यहां नहीं रहता हमारे साथ, कितने अरसे से अकेले हैं हम। लेकिन एकदम से ऐसे ही इतने सारे रिश्ते बन गए हमारे। हमें भी शुरू में बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो, अगर तुम्हें डर ज्यादा और अच्छा कम लगे ना तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा तुम्हें एक मशवरा जरूर मानना। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो चांद नगर को एक मौका जरूर देना, क्योंकि इससे ज्यादा दिलचस्प कहानी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। जहां तक मेरा तजिया कहता है, शिजा बीबी लड़के लड़कियों की वजह से परेशान है। वो गैर पार्लियामानी अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से करते हैं ना,
उछल कूद भी करते हैं। शेजा बीबी को ये बात काबले कबूल नहीं है। इस वजह से शेजा बीबी ठहरी सुलझी हुई, संभली हुई, संजीदा, पढ़ी लिखी। ये मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता है, मैं तो इम्कान जाहिर कर रहा हूँ। झूठा इल्जाम तो ना लगाना बख्तून पे, मैंने तो अभी तक नहीं सुना किसी को गाल देते हुए। मैंने कब कहा कि वो गालियां देते हैं? तो अभी तो कह रहा था ना, वो गैर पर जमाली क्या था, वो क्या था फिर? अगर तुम्हारा माई, तुम अगर मिडिल पढ़ लेती ना तो आज मैं तुम्हारे साथ मुकालमा कर पाता, मगर मसला ये है कि तू ना अपनी फारसी ना ऐसी जगह पे जाके बोल जा सारों ने मिडिल की भी हो। मिडिल तसव्वुर, वाह 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 वाह, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा तालीम कितना है बताओ तो जरा। तुम्हें मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, 5 साल साफत की है मैंने, 5 साल कोई ऐसा अखबार नहीं था जो मैं पढ़ता नहीं था, मैं रिपोर्टिंग करता था, 2 साल और रिपोर्टिंग करता ना तो आज मैं एंकर होता। वो तो बीबी साहब को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इस वजह से मैंने अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे दी है। चल झूठा, साफत चली नहीं, पेट पटा गया तो अब कह रहे हमारे ऊपर रोज मार है। माई साफत कोई फिल्म नहीं है जो पिट पिटा जाए, और अगर कोई साफी गैर मुयना मुद्दत के लिए गैर हाजिर हो जाए ना तो जब वो वापस आता है तो अपनी दज पे वापस आता है। ये तेरी दाजी जो है ना कहीं और लेके जाओ, मेरा सिर ना खाओ। क्या है? आई डो चाय देनी है उनको। तो जा। कहाँ है लोग? तो बाहर कैरम खेल रहे हैं। इस उम्र में नौजवानों को तामीरी काम करना चाहिए, ये बार बैठ के डबू खेल रहे। अरे वक्त तो तू क्यों सारों के पीछे पड़ जाता है? 2 मिनट के लिए खामोश नहीं रह सकता तू? मैं ये कह रहा हूँ कि इस नस्ल का क्या होगा माई? ये मेरी गमला ना तेरे सिर पे गिरा देना। चुप। इस नस्ल का क्या होगा माई, ये बोल रहा था। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। समझ आती ना इनको, ऐसे जुतियां ना पड़ी जब तक। मैं किधर जा रही हूं? इधर आ तू। तो कैसा बोलो? वैसे यार नहीं करना चाहिए था वो रोबोट वाला जोक, पता नहीं उसकी खानम से क्या बात हुई, सोने चली गई बेचारी। नहीं तो चल लो, कर लिया हमने ज्यादा जोक, लेकिन खुद जो बाद बे बाद लेक्चर झाड़ती रहती है उसका क्या? पारी तो चलो यार। अब हो सकता है वो बात ही ना हो जो हम समझ रहे हैं, और ये तैमूर है ना, जरूर इसने कुछ किया है, सबसे ज्यादा तो वो इसी से चिढ़ती है। तो बात है, तैमूर ने क्या कर दिया भाई? तैमूर को सूली चढ़ा दो यार। आप लोग एक काम करो, ऊपर ले जाओ और वहां से धक्का दे दो, किस्सा ही खत्म कर दो। एक बात बता दूं मैं, शिजा की तरह ना मैं भी चला जाऊंगा एक दिन, लेकिन बहुत याद आऊंगा, वापस नहीं आऊंगा, कहीं खो जाऊंगा और बहुत बददुआएं देके जाऊंगा सबको। अबे भाई तू कोई नई फिल्म नहीं देखता क्या? वही पुरानी कैसेट लगा के रखी है, वही रोना रोता रहता है अपना। VCR के जमाने का हीरो। कायनात, तुम भी मिल गई इनके साथ, मतलब तैमूर के खिलाफ सारी कायनात हो गई। तुम भी ना छोटी छोटी बातों में सेंटी हो जाते हो। अरे अरे तसव्वुर भाई, चाय की कमी थी बस। तानी क्या बात है तसव्वुर भाई, बड़े चुप चुप हैं, बीवी की याद सता रही है? नहीं वो बस नींद आ रही है, बीवी की याद क्यों आएगी? लगता है बेगम से फटा हुआ है, वो मिला मिला के सुनाई होंगे, ये मिला मिला के फोन से निकल के मार तो नहीं पड़ी गई। हाँ तसव्वुर भाई, वाकई झगड़ा हुआ आपका? बस करो, तुम लोग एक ही बात को खींचे चले जाते हो, बीवी बीवी बीवी। कोई बात नहीं कहना बीवी, मेरी बेगम को अला और हयाती दे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब उसका जिक्र होता है ना। बड़े कोई आशिक टाइप से आप तो तसव्वुर भाई। तानी बीबी, मर्द तो आशिक ही होता है,
इश्क के ख्यालों में डूबा रहता है। खाना में कुछ चाहिए क्या? क्या बात की है तसव्वुर भाई ने चांदनी रात में। मुकर्रर मुकर्रर है आगे। शेर था ना। अबे शेर पूरा कर। मैंने तो बात की थी। ले शुरू तो ऐसा किया था जैसे इकबाल जी आपके फुफा हो। अच्छा इसको देखो चीटर, सारी गोटियां अंदर कर ली इसने। ऐसे नहीं चलेगा, चीटिंग कर रहा है। हम खेलेंगे, मेरी बारी तो आई नहीं। तुम ले लो, कौन से कुछ डल रही है तुमसे वो? ये देखो। लाओ इधर, लाओ 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 लाओ। पैर कैसा है तेरा? सुबह तो बहुत रो रहा था। पैर का दर्द ना दोस्त चला जाता है, पर दिल का दर्द नहीं जाता, समझ आई? मतलब? अबे तुझे नहीं आएगी समझ, मतलब पूछ रहा है क्यों तानी? शट अप। ओके। अबे दुगना है यार। तसव्वुर चाह हो गई ना सारों की, बस बाद में ना बर्तन उठा लेना बाहर से, ऐसे पड़े रहेंगे, बिल्लियां मुंह ना मार देना बीच में। और वो बड़े वाला दरवाजा देख लेना, लेटने से पहले सारे दरवाजे एक बार चेक कर लेना, ठीक है? नहीं उठाई इसने मेरी शक्ल से, गरीब को कहीं क्रश क्रूश तो नहीं हो गया? वो भी सकता है, क्या कर सकते हैं? एक गेम और लगाएं? नहीं भाई, वो देखो मैं भी थक गई हूं, अब मैं भी जाऊंगी, तुम लोग खेलो। पैर के दर्द में टीसे उठ रही है भाई, मैं भी जा रहा हूँ यार। बैठे बैठे। अबे भाई मेरा पैर है उसकी मर्जी, बैठे बैठे टीसे हो, लेटे लेटे हो, भागते भागते हो या खड़े खड़े हो। और वैसे भी तुम दोनों की गेम है। खेलो। चप्पेर करा देनी है मैंने तैमूर, ओवर आदमी। हाँ भाई सोच समझ के बात किया करो, चांदनी रात है और खुले आसमान के नीचे बैठे हो, अगर कबूलियत की घड़ी हुई तो। तुम लोग लड़ो, मैं चलती हूँ। कायनात। हाँ? अगर चलते चलते मैं गिर गया ना तो मुझे संभाल लेना प्लीज। ओके भाई। ले आम, जो जिसका जो दिल चाह रहा है बोल रहा है। तुम्हें मैं नन्ही काकी लगती हूँ? पूछ रही हो या बता रही हो? चम्मी होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, ये कबूलियत का वक्त सब जानती हूँ मैं। हद में रहो। चाय। बड़ी जज्बाती है भाई, चाय गिरा दी।
एक नजर नजर।